क्या क्या था लास्ट टाइम हमने क्या किया था? फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कर लिया था? फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन किया था? कंडीशंस क्या क्या लिखवाई हैं आपको मैंने? टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, ड्यू पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम कैपेसिटी, ड्यू पॉइंट, सेचुरेशन, मैक्सिमम आरएच वैल्यू, प्लस हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, यही किया था मैंने, ठीक है? यही बताया था ना। चलिए अगला हेडिंग डालिए, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होती है पता है आप लोगों को ना? जब क्लाउड बन जाता है, जब क्लाउड बन जाता है ना, जब नीचे से इवेपोरेशन होकर ऊपर क्या बन रहा है? क्लाउड, इसी को ही कंडेंसेशन कह रहे हैं। अब यही ऐसी ही कंडेंसेशन बड़े अलग अलग तरह की होती है। करें, फर्स्ट है आपका क्लाउड बनना, ये तो सबको पता है कि कैसे बनता है, पता है ना सबको? किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी मुझे? ठीक है, क्लाउड का बनना है ना, यहाँ से नीचे से वाटर थोड़ा बहुत इवेपोरेट हुआ है ना, हवा ने क्या किया, थोड़ा बहुत मॉइस्चर लिया और वो ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई, एक टाइम आएगा उसका आर एच वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और आर एच वैल्यू मैक्सिमम प्लस कैपेसिटी बिल्कुल कम, जिसके कारण सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसी टाइम पे वो वाटर वेपर्स बनते हैं ना, तो उसी टाइम की बात हो रही है, उस टाइम पे कंडेंसेशन हो जाती है तो क्लाउड बन जाते हैं। अब अगर उन क्लाउड्स के पास हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी कि कोई सॉल्ट, जहाँ से वो आया है वहाँ का कोई सॉल्ट ना हो या कोई पॉल्यूशन के पार्टिकल ना हो, ठीक है, तो मान लीजिए वो जो बूंदें गई थी वो ऐसी ऐसी थी ना, तो ये नीचे नहीं आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगे ना नीचे, इनको चाहिए क्या? एक बेस चाहिए जिसके ऊपर एक बूंद दूसरी बूंद से मिले और ये बड़ी बूंद बने, ताकि इसके थ्रू ये नीचे आ सके। समझे मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस जरूरी है ना बारिश होने के लिए, वरना ये वाटर वेपर बन के ही रह जाएगा, यहाँ पे इनके ड्रॉपलेट्स नहीं बन पाएंगी। ड्रॉपलेट्स कब बनती हैं? जब इनको बेस मिले, और उसी बेस को हम नाम दे रहे हैं किसका? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस का। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस मैंने आपको कहा था अगर ना हो तो आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड किया जाता है, किस फॉर्म में? सोडियम आयोडाइड, सॉरी सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, और इसको बड़ा ही ऐसे करना पड़ता है, क्या पता सेचुरेशन ज़्यादा हो रखी है ना, ज़्यादा सेचुरेशन हो रखी होगी तो क्या हो जाएगा फिर, उससे बाढ़ आ जाएगी जैसे हम फेंकेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो एरिया है ना आपका जीरो डिग्री इक्वेटर वाला, यहाँ पे आपको पता है क्या चलता है, लो प्रेशर होता है ज़्यादा है ना, और यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होती है ना, ज़्यादा बारिश होती है ना, तो यहाँ पे आपको ना पोल्यूशन बड़ा कम देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ का जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ऊपर उठा था वो सारा का सारा आ गया नीचे, जो हवा में था वो सारा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिय नीचे बारिश बन के बह गया, ज़्यादा होती है। अब जो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना, 30 डिग्री लैटिट्यूड आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपको क्लियर स्काई देखने को मिलता है, याद है? 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में क्लियर स्काई देखने को मिलता है, बिकॉज कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है जिसके कारण हाई प्रेशर इधर उधर हो जाता है, और वो वाली जो कंडीशन होती है वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। अब बारिश नहीं हो पाती, इसके लिए 30 डिग्री के आसपास आपको बड़ा ही पॉल्यूशन देखने को भी मिलेगा। आप देखोगे इसी एरिया में आपको कहीं दिल्ली भी देखने को मिलेगा, ठीक है? ऐसा कहा जाता है ना कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, क्यों है? पॉल्यूशन है, बाकी इंडस्ट्रीज और ये भी कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि वहाँ पे बारिश बड़ी ही कम होती है, समझ गए? कई बार ऐसे भी बोल देते हैं पराली वगैरह जलाते हैं ना, उसके कारण जो जाता है, तो लेकिन ये भी एक कारण है कि यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की एक तरीके से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई तो है लेकिन यहाँ पे बादल नहीं बन पा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? समझे मेरी बात? इस कारण भी ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। क्लियर है भाई? क्लियर है मेरी बात? तो एक तो हो गया क्लाउड, दूसरा लिखिए फॉग। सारे ये उसी के हैं कि कंडेंसेशन हुई है। फॉग, फॉग आपको पता है,
फोग मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखो क्लाउड कब बनता है, क्लाउड कब बनता है जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो कम, RH वैल्यू मैक्सिमम, है ना, तभी बनता है। अब कई बार ये होता कब है, जब टेम्परेचर क्या होता है कम, है ना, हो सकता है वो क्लाउड का पार्सल, एयर का पार्सल ऊपर जा गया है तब का, या तो नीचे ही, मैंने आपको बोला था कि कई बार नीचे ही क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, जिनको कि हम फोग कह रहे हैं, है ना, समझ आई मेरी बात। कब बनता है, विंटर्स में, विंटर्स में क्या होती हैं काम कंडीशंस बिल्कुल, और नीचे क्या पाई जाती है ठंड, और ठंड के कारण रात को ये जो धरती है ये ठंडी है, इसके कारण देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आप सब लोग अभी गर्मी में पानी तो पीते हो, है ना, पानी पीते हो, आपने कभी फ्रिज से निकाल के या यहीं वाटर कूलर से निकाल के कभी शीशे के गिलास में पानी डाला है, शीशे के पानी में, गिलास में पानी डाला है, डाला है ना, ठंडा पानी, आप देखते हो उसके बाहर पसीना पसीना सा आ जाता है, बोलते हैं ना ऐसे, जैसे गांव में बोलते हैं ना कि यहाँ का पानी इतना ठंडा है, मैं घड़ा लेके गई थी गागर और उसमें बाहर पसीना पड़ गया। पसीना नहीं पड़ता है, देखो होता क्या है, ये पानी इसमें गया ठंडा पानी, टेम्परेचर क्या था पानी का, कम था, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, पानी का टेम्परेचर कम था, जिसने कि क्या कर दिया, गिलास के सरफेस को भी, जो आसपास की दीवारें हैं इसको भी क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। अब इसके आसपास हवा भी तो है, अब ये मेरा हाथ है तो इसके पास हवा भी, एयर तो है ना, मैं हाथ ऐसे हिला रही हूँ तो हवा है ना, मैं इसके आसपास लगी हुई, तो इस गिलास के आसपास भी तो हवा होगी, ठीक है। मान लो ये हवा का पार्सल ए, हवा का पार्सल बी, हवा का पार्सल सी। अब ये जो हवा है ना, इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होगा, पहले हवा में मॉइस्चर होता ही है थोड़ा बहुत, समझ रहे हो मेरी बात, हवा में इसमें मॉइस्चर था। अब इस हवा में मॉइस्चर जो था, इस हवा के इसके कॉन्टैक्ट में है ना, ये वाली हवा इसके कॉन्टैक्ट में है कि नहीं है, है ना इसके कॉन्टैक्ट में। अब इसके कॉन्टैक्ट में होने के कारण होगा क्या, इस हवा का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एयर है ना, इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी, समझे मेरी बात। इसके साथ जो अब जिन्होंने पिछली क्लासेस लगाई है ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है, दिक्कत आ रही है, आएगी, नहीं आ रही तो फिर आनी तो चाहिए थी मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके कॉन्टैक्ट में जो सबसे पहले वाला पार्सल है ना एयर का, इसके पास भी तो मॉइस्चर है ना। अब उस हवा के पार्सल कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पहले ठीक था, है ना, पहले इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसे ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हुई, इसकी क्या आ गई, सेचुरेशन पॉइंट आ गया, RH वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसके कारण आप देखोगे यही हवा का क्या हो जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, और इसी के पास पास ये बूंद बूंद बनकर दिखेगी आपको, समझे मेरी बात। ऐसा तो होता नहीं है कि पानी के बाहर कुछ अंदर कोई मेम्ब्रेन लगी है उस गिलास की, और वो गिलास से पानी ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता ना ऐसा, फिर भी उसके बाहर पानी सा इकट्ठा हो जाता है, देखा आपने, या फिर उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे भी करते हैं, कई बार करते हैं ना, जैसे कोई गिलास है उसके बाद ऐसे पसीना सा नहीं पड़ जाता है, जब ठंडा पानी डालते हो, गर्म डालोगे तब ऐसा कुछ नहीं होगा, देखा होगा आपने सभी, ये तो देखा है, दिखाती हूँ अभी, प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा ठंडा पानी रहने दो, मुझे बताना है इनको कुछ है, ठंडा नहीं, नहीं नहीं अब है भी तो लेके गया होगा भी कोई, मतलब वेट करना पड़ेगा थोड़े दिन, मुझे इनको प्रैक्टिकल करवाना था कुछ। वॉशरूम में, हाँ पोर्शन में ठंडा पानी, है ठंडा है पानी। अच्छा ये बॉटल, बॉटल ही दे दो फिर, देखो इसमें दिख रहा है आप लोगों को, इसमें ये जो छोटी छोटी बूंदे सी बनी है ना, बनी है ना ये बूंदे, तो क्या इसने इस पानी में क्या डाला, इस बॉटल में क्या डाला, पानी डाला, पानी ठंडा था है ना, इस बॉटल के आसपास क्या लगी है, एयर लगी है, उसके कॉन्टेक्ट में, इस कॉन्टेक्ट में सबसे पहला जो एयर वाला लेयर होगी ना, ये वाली लेयर,
उसका क्या हो चुका है, अब सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है. क्यों? क्योंकि वो किसके कॉन्टैक्ट में आ गई, बॉटल के कॉन्टैक्ट में. बॉटल के कॉन्टैक्ट में आने से बॉटल का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो चुका है ना, ठंडी हो चुकी है ना बॉटल, जिसके कारण इस एयर पार्सल का भी क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया. टेम्परेचर कम होने से मैंने आपको कहा था क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि जो एयर पार्सल में इतनी जगह थी ना मॉइस्चर लेने में, उसकी अब जगह इतनी हो गई है, समझ रहे हो, इतनी हो गई है, जिसके कारण उसका सेचुरेशन पॉइंट आ गया. और इसने भी अपना क्या कर दिया, इसकी कंडेंसेशन हो गई है, दिख रहा है आपको. अब होगा क्या, जैसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है ना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई में बेस चाहिए होता है ना, है ना. आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद, जैसे इसमें से बूंदे बूंदे बह रही है ना, किस वेपर को, जो कि कंडेंस हो चुका है पानी का, है ना, एयर का पार्सल कंडेंस हो चुका है ना, इसको बेस मिल गया किसका, इस बॉटल का. इसके ऊपर एक दो बूंदें ये मिली आपस में, और वो एक होता ना ऐसा, पानी होता है ऐसे एक, है ना, गिलास है ये ऐसे मान लो, है ना, तो ये वेपर ये छोटे 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 होते हैं ऐसे, और एक टाइम आता है कि ये सब मिलकर ऐसे करके बह जाते हैं, होता है ना ऐसा, ऐसे लाइनें लाइनें सी बन जाती हैं, बह जाता है बूंद बन के, वैसे ही बारिश भी होती है, समझे. थैंक्स. ठंडा पानी आप लेके आए थे परे से? हाँ, तभी नहीं है परे. ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि कंडेंसेशन कई बार क्या हो जाता है, ऐसे आप देख रहे हो ये भी कंडेंसेशन है, ठीक है, वैसे ही आपके धरती पे भी कंडेंसेशन हो जाती है. धरती पे कब होती है, जब बिल्कुल ठंड होती है, ठीक है, ठंड होती है तो ठंड में क्या होगा, यहाँ पे लैंड भी क्या करेगा, लैंड भी ठंडा हो चुका है अब, है ना, ठंड के कारण लैंड ठंडा हो चुका, तो लैंड के साथ लगी हुई जो क्या है एयर है, इसका भी कंडेंसेशन हो जाएगा. इसकी भी कंडेंसेशन होगी ना, कंडेंसेशन कैसे होगी इसकी, इसके साथ कांटेक्ट में आके हाई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो चुकी है, आरएस वैल्यू बढ़ चुकी है, जिसके कारण यहीं पे फॉग आपको वैलीज में फॉग बनती दिखेगी. लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, आपको क्लियर स्काई चाहिए होता है, फॉग तब बनती है जब स्काई क्लियर हो, है ना, और काम कंडीशन हो, हवा ववा ना चल रही हो, ठीक है, समझ गए मेरी बात. तो फॉग समझ आया आपको, फॉग. तीसरा स्मोग, तीसरा लिखिए स्मोग जल्दी. स्मोग क्या होती है, तो स्मोग कुछ नहीं है, स्मोग जो इंडस्ट्रीज से निकलती है ना, इंडस्ट्रियल एरिया से स्मोग निकलती है, उसके साथ जब ये फॉग मिक्स हो जाती है उसी को स्मोग बोलते हैं. लिख लो ब्रैकेट में, स्मोग प्लस फॉग, स्मोग प्लस फॉग, ठीक है, समझ आया कशिश, समझ आ गया. अगला लिखो मिस्ट, पहले लिख लो फिर मैं बताती हूँ क्या है ये मिस्ट, MIST मिस्ट. क्या गिरा दिया, मिस्ट. फोर्थ वन इज मिस्ट, अगला लिखिए हेज, लिख लो पहले फिर मैं बताती हूँ हेज. सिक्स्थ वन इज वॉग, देखो ये सारे फॉग ही हैं, एक तरह के सारे फॉग ही हैं, बस इनके हाइट अलग अलग हाइट पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ये नाम दिए गए हैं, समझे मेरी बात, आप लोग समझे बेटा. क्लाउड बन रहा है कहाँ, ऊपर, ये सारे लोअर सरफेस पे बनेंगे, समझ रहे हो, ये जो सारे है ना ये लोअर एरिया पे बनेंगे. जैसे कि फॉग, चलो आपको पता है पहाड़ियों के आसपास बनती है, आपके आसपास भी चलती है कई बार. स्मोग जो है ना ये लेस देन 1 किलोमीटर में चलती है, स्मोग देखिए लेस देन 1 किलोमीटर, यानी कि सरफेस से कुछ 1 किलोमीटर तक के नीचे से ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगी स्मोक, ठीक है, उस बेसिस पे स्मोक को, इसको फॉग को अलग अलग नाम दिए गए हैं. मिस्ट यानी 1 से 3 किलोमीटर में जो दिखेगी, 1 से 3 किलोमीटर में जो दिखेगी. हेज जो 3 से 5 किलोमीटर, मतलब ऐसी फॉग जो 3 से 5 किलोमीटर में है, उसको हम फोग ना बोलकर क्या बोल दे रहे हैं, हेज. ऐसी फोग जो 1 किलोमीटर के अंडर है उसको क्या बोल दे रहे हैं, स्मोग. स्मोग ऐसी फोग जो 1 से 3 किलोमीटर के अंदर है उसे हम क्या बोल दे रहे हैं, मिस्ट. और 3 से 5 को क्या बोल दे रहे हैं, हेज. और जो वॉग है ना, वॉग आप ध्यान में रखना, जो वल्केनिक रीजन होते हैं ना आपके, वहाँ पे वल्केनिक इरप्शन जो होती है और उसके आसपास जो बनता है ना, हाँ, वल्केनिक वाले एरिया में जो एक तरीके से फॉग बनती है उसको वॉग कह देते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है, लिख लीजिए. वल्केनिक रीजन में मिलने वाला, वल्केनिक रीजन में मिलने वाले को क्या कह दे रहे हैं हम. दो शब्द और लिखो, ड्यू एंड फ्रॉस्ट. ड्यू, एट्थ वन इज फ्रॉस्ट. अब ये ड्यू को आप ड्यू पॉइंट मत समझ लेना,
ये ड्यू अलग है, देखो ये कब बनती है ड्यू, आपने देखा है सर्दियों के समय पे पत्ते, देखे हैं पत्ते है ना, कई बार आपके आसपास घास खेत होंगे है ना, तो जो पत्ता है ना, पत्ता इसके आसपास भी क्या है, हवा है ना, आप सबके आसपास, मेरे इस हाथ के आसपास एयर है, इस फोन के आसपास एयर है, आपके आसपास एयर है जो कि आपको लेके नहीं आती है रोज क्लास में, कहाँ रहते हो आप, है कहाँ रहते हो बीपी जी, कैंप, तो फिर तो 2 दिन कम होते हैं, 2 दिन में देखो कितना कुछ हो गया, लग रहा होगा नया नया कि दूसरा जन्म लेके आया हूँ मैं, कुछ और ही हो रहा है क्लास, पक्का ठीक है। तो ये देखो इसके आसपास भी तो क्या होगा, एयर है ना, रात को ठंड होती है, रात को ठंड के कारण ये पत्तियां भी ठंडी हो जाएंगी, जिसके कारण इनके आसपास की जो एयर है इसकी भी कंडेंसेशन हो जाएंगी। आप देखोगे सुबह आप पत्ता देखते हो उसके ऊपर भी ऐसे पसीना सा दिखता है आपको, दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना, और वही पसीना थोड़ा बहुत अगर मिल जाए आपस में तो उसकी बूंद बन जाती है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, पतरोडू जिससे बनते हैं, उसके ऊपर वो बूंद बनकर ऐसे ऐसे लोटरी होती है इधर उधर, बाकियों की तो बह जाती है, उसकी लोटरी होती है क्योंकि उस पर एक जगह नहीं ना, उसका सरफेस वैसा है कि उस पर एक जगह टिकती नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसी को ड्यू बोल रहे हैं हम, जो एक पत्ते के ऊपर जो पसीना सा पड़ता है ना, कंडेंसेशन हो जाती है उसको ड्यू। ड्यू कब हो रहा है, ड्यू कब बन रहा है, जब जो ड्यू पॉइंट है, जब जो ड्यू पॉइंट है वो कब है, अबव फ्रीजिंग पॉइंट है। ड्यू पॉइंट क्या है इसका, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, याद है, याद है आपको, अबव फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जीरो, 0 डिग्री से ऊपर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने डिग्री पे जब ये हो तो उसको ड्यू कहेंगे। और अगर यही सब चीजें बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब ड्यू पॉइंट जो हो वो क्या हो, बिलो, यानी कि -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3, उस समय पे फ्रॉस्ट बनता है। फ्रॉस्ट यानी कि इस पत्ते के ऊपर अब बूंद ना दिख के आपको बर्फ दिखेगी थोड़ी थोड़ी, समझे समझे, थोड़ी थोड़ी बर्फ, आइस क्रिस्टल्स दिखेंगे, और समझे मेरी बात, समझ गए। देखिए अब ड्यू और फ्रॉस्ट अगर साथ दे ये तो मैं आपको पानी लेके आती हूँ। ये क्या खुल गया भाई, देखना वही खुले, मैं एक सेकंड पानी लेके आई। हाय हाय, ठंडा पानी ले लिया, थोड़ा सा मुझे देना, थोड़ा सा पीना नहीं है मुझे, एक्चुअली कुछ करना है। ये ठंडा है, पहले का था थोड़ा इसमें। अच्छा ये ठंडा है, मुझे एक्चुअली कुछ करवाना है बच्चों को ना, तो ठंडा पानी चाहिए। चलो ठीक है, बच्चे छोड़ ही नहीं रहे हैं ठंडा पानी, छोड़ ही नहीं रहे हैं ठंडा पानी, मैं कहाँ से लेके आऊँ बताओ मुझे। अब रख के देखते हैं इसके आसपास की हवा बदलती है कि नहीं बदलती है। ये क्या आ गया, ये ड्यू है, ये फ्रॉस्ट है, देखो ड्यू, देखा हाँ, तो बरसात में भी ऐसा होता है, तो बरसात में भी होता है, बरसात में नहीं होता है यार उतना, वो बारिश के कारण होता है, वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होते हैं ना उस टाइम टाइम पे, इसमें देखिए आपको, हाँ ठीक है ऐसा ही है जो तू बोल रहा है, ठीक है। ये तो बर्फ है पर पत्तों पे पड़ी है ना, कोरा बोल देते हैं उसको, कोरा, ये कोरा है, बनीखेत में पड़ता है ना ये, तो मुझे पता है। ये देखो ऐसी ऐसी घास हो जाती है वाइट वाइट कलर की, है ना, समझे आप, समझे। वॉग भी देखना चाहोगे, वॉग
ये वोग है, समझ रहे हो? यानी वल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो ये धुआं सा धुंध सी होती है ना, उसी को वॉग कहा जाता है, ठीक है? अब फॉग तो तुमने देखी है, मैं स्मॉग दिखाती हूँ तुम लोगों को, देख ली, ठीक है? अब स्मॉग देखते हैं, स्मॉग। ये स्मॉग है, धुंध है, धुंध है, लेकिन क्या इसमें ज़्यादा मिक्स है? स्मोक कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया। देखो इंडस्ट्री एरिया के आसपास ही दिखेगा आपको ऐसा, पंजाब में बड़ी सारी होती है ऐसी, पंजाब में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना। और क्या देखना चाहोगे? हेज एंड मिस्ट, ये भी देख ही लेते हैं अब। पहले हेज देख लेते हैं, यानी एरिया इसने थोड़ा ज्यादा कवर किया आप देखोगे तो, है ना? मिस्ट देखे, मिस्ट बस आपको पता होने चाहिए वर्ड्स है, बाकी इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, सेम ही है कुछ हद तक, बस वही हाइट का फर्क होगा। हाँ जी, थोड़ा डार्क है, ठीक है भाई, क्लियर है? अब लिखिए कंडीशन, हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर द फॉग फॉर्मेशन। फॉग फॉर्म कैसे होगी मैं थोड़ा आपको वर्बली बता चुकी हूँ, अब लिखवा भी देती हूँ। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, सबसे पहले तो लॉन्ग विंटर नाइट्स, लंबी ठंड की रातें, लॉन्ग विंटर नाइट्स। लॉन्ग विंटर नाइट्स मतलब टेम्परेचर कम होगा ना, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, मिलेगा धरती को ठंडा होने में, समझ रहे हो? लॉन्ग विंटर नाइट्स प्लस क्लाउडी, नो क्लाउडी स्काई, प्लस नो क्लाउडी स्काई, मतलब मौसम साफ होना चाहिए, ऊपर बादल नहीं होने चाहिए, नो क्लाउडी स्काई प्लस काम कंडीशन। काम कंडीशन से मतलब है कि ऐसा नहीं कि शोर नहीं मचाना है, मतलब है हवा नहीं चल रही होनी चाहिए, ठीक है? अब खुद तो बना नहीं सकते हम ये सब, मतलब ये जब कंडीशंस होती हैं तब जाके फॉग बनती है, ठीक है? काम कंडीशंस, काम कंडीशंस, ठीक है, प्लस टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन अभी तक आप समझ चुके हो क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन पता है ना? नॉर्मली क्या होता है, कोल्ड, सॉरी नीचे वार्म, कोल्ड, ये है नॉर्मल लैप्स रेट। टेम्परेचर इन्वर्जन यानी ऊपर वार्म नीचे तो कोल्ड बनेगा ना इसमें, ठीक है? समझ गए मेरी बात, क्लियर है भाई? इतनी बात डन, आगे बढ़ो। वो तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई आइस, ड्राई आइस शादियों आदियों में स्टेज पे निकाल देते हैं धुआं, वो तो सॉलिड वो है CO2, ठीक है? लिखिए अब पॉइंट बना के लिखना, अगला लिखिए, पहले मैं समझा दूं आपको, पहले समझा देती हूँ। मान लो कोई एयर, मतलब ड्यू पॉइंट उसका अबव है, मतलब या बिलो है ड्यू पॉइंट, कोई वेपराइजेशन हुई है ना, यानी कि इसका सेचुरेशन पॉइंट आया, लेकिन कब आया, जब ड्यू पॉइंट जो है क्या है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि काफ़ी ऊपर जाके, 0 डिग्री से ऊपर जाके, यानी कि अब ये नीचे उतरेगा तो क्या बन के उतरेगा, आइस क्रिस्टल, यानी कि ये जो बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, क्या होगी,
आइस क्रिस्टल, स्नोफॉल, आइस क्रिस्टल्स गिलेंगे, गिलेंगे नहीं, गिरेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, कई बार क्या होता है ना, आइस क्रिस्टल आ रहा है नीचे, ठीक है, आइस क्रिस्टल आ रहा है नीचे, लेकिन हवा चल रही है जिसके कारण फिर से इसको अपलिफ्टमेंट मिला और फिर से हवा से ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्रॉस कर गया, ठीक है। फिर नीचे आना चाह रहा था, फिर ये नीचे आना चाह रहा था क्रिस्टल, फिर ऊपर उड़ गया, फिर नीचे आना चाह रहा था, फिर उड़ गया, मतलब मल्टीपल अपलिफ्टमेंट मिले इसको, मल्टीपल अपलिफ्टमेंट मिले इसको कि नहीं मिले, मिले ना। अब इससे होगा क्या ना, ये आइस क्रिस्टल पहले इतना था, फिर ऊपर गया और ज़्यादा फ्रीज हो गया, और ज़्यादा इसने बड़ा रूप ले लिया, और ऊपर गया फिर से दोबारा इतना हो गया, और ऊपर गया, यानी मल्टीपल अपलिफ्टमेंट हुए हैं इस आइस क्रिस्टल के। अब जब ये नीचे गिरेगा, अब ये क्या गिरेगा, हेल स्ट्रॉम, हेल स्ट्रॉम, ओले, देखिए ओले, है ना। तो बर्फ में होता है ना फर्क, बर्फ और ओलों में होता है कि नहीं होता है, है ना। और कई बार तो मैं आपको दिखाता हूँ हेल स्ट्रॉम इतने बड़े बड़े भी होते हैं, इतने, और लोगों की गाड़ियों के शीशे देखिए वीडियोस, कई बार ऐसी त्रासदी आती है कि इतने जोर से, इधर तो नहीं हुआ अभी तक ऐसा, बट कई बार ऐसा मैंने वीडियोज में देखा है। हेल स्ट्रॉम ये देखो, तुमने ऐसा देखा होगा एण, है ना, एण बोलते हैं हाँ। लेकिन ये देखो, ऐसा गिरे तो बंदा वैसे बेहोश हो जाए, ऐसा कुछ गिर जाए सिर पे, सोचो आप कितना भारी होगा। कभी भी, और कभी भी गिरे ना तो किसी शेड के नीचे चले जाया करो, कभी मत ऐसे, मतलब कि छोटे छोटे तो गिर रही है तो मैं नाच लूँ बाहर, और दिमाग कितना सा होता है, थोड़ी बहुत लग गई तो मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। यार ये ठंडा पानी नहीं हुआ, तू ले आया सारा उठा के, उसके बाद है ही नहीं उधर पानी, जो भी आ रहा है वो सारा लेके जा रहा है। ये देखो, देखिए ये कभी है, अभी भी है, अब क्या करना है इसका, अब इसने टेम्परेचर ठंडा कर दिया ना बॉटल का, देखो कितने बड़े बड़े हैं, दिखा रहे हैं कितने बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स हैं। किए कभी किसी ने इतने बड़े बड़े हेल स्ट्रॉम एक्सपीरियंस, ये तो ऐसे लग रहा है आलू बुखारे लिए हैं इसने हाथ में चार, है ना। जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ देखने को मिल सकता है। पांगी में रहते हो आप बेटा, आपने देखा है कुछ ऐसा कभी, बर्फ़ पड़ जाती है जल्दी उधर, हाँ नॉर्मल है वहाँ भी। ये तभी होता है जब यही मल्टीपल एयर अपलिफ्टमेंट मिले तभी। माई गॉड, ये देखो, ये मुझे लग रहा है खुद बनाया है इसने, है ना, गिरते हैं भी। चलो सही है, लेकिन ये मार सकता है आदमी को, ये मार सकता है आदमी को, ठीक है भाई। हेल स्ट्रॉम अब लिख लीजिए, मल्टीपल अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर इन मल्टीपल अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर द आइस क्रिस्टल बिकेम बिग The ice crystal became big, and this became what? Hailstorm. ठीक है जी। अब कई बार आइस क्रिस्टल उतना ज्यादा मतलब नहीं हो पाता है, तो जब आइस क्रिस्टल प्लस वाटर ड्रॉपलेट मिलते हैं ना, आइस क्रिस्टल प्लस वाटर ड्रॉपलेट मिलते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है स्लीट। दिखा देती हूँ आपको स्लीट, हाँ जी, होता है ना कई बार पढ़ते पढ़ते पिघल जाती है बर्फ़, है ना, पड़ रही है और हाथ पे पिघल रही है, बर्फ़ पड़ने से पहले थोड़ी बहुत ऐसी बर्फ़ पड़ती है, देखा है आपने, स्लीट, SLEET, स्लीट, देखना आप, बड़ा ही हल्की सी होती है, जैसे ऐसा लगता है बारिश ही पड़ रही है, लेकिन थोड़ी सी होते हैं ना उसमें, थोड़े से क्रिस्टल्स होते हैं। ये फिर मुड़ मुड़ के यही दिखा रहे हैं, ये देख लो, नहीं तो खुल जाएगा आज ये। स्नो देख लो, यानी कि आइस क्रिस्टल, स्लीट यानी आइस क्रिस्टल प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब दोनों
और ये फ्रीजिंग रेन यानी कि पता नहीं किसकी बात हो रही है, स्नो मेल्ट्स एंड रिफ्रीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद द सरफेस, ठीक है, और ये रेन, ठीक है भाई, क्लियर है? एक और चीज होती है विराज, आप बताओगे क्या होता है विराज, बताओ। एक ड्रिजल, ड्रिजल तो पता होगा सबको, ड्रिजल यानी कि जब थोड़ी थोड़ी सी बूंदा बांदी होती है ना, उसको बोलते हैं ना ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रिजलिंग है ना, ड्रिजल यानी कि प्रॉपर बूंद नहीं बनी है उसकी और थोड़ी थोड़ी ऐसे बारिश हो रही है ना। एक विराज भी होता है, हाँ सुनो मेरी बात, एक तो होता है ड्रिजल करना, ड्रिजलिंग यानी कि बिल्कुल हल्का हल्का हल्की हल्की बूंदों की बारिश, ठीक है, और एक टाइम आता है, देखो एक टाइम आता है कि जब ये बेचारी बूंद बन के आ रही थी ना नीचे, बूंद बन के आ रही थी मतलब बूंदे बन के आ रही थी और धरती के सरफेस पे टकराने से पहले ही इवेपोरेट, समझे, मतलब इतनी कम बारिश कि धरती पे पहुंच ही नहीं पाई है, ऐसे थोड़ी बहुत और वापस, इसको बोलते हैं विराज। विराज मतलब व्हेन, व्हेन विराज लिखिए, व्हेन रेनफॉल इवेपोरेट्स बिफोर रीचिंग टू अर्थ, व्हेन रेनफॉल इवेपोरेट्स, जब रेनफॉल इवेपोरेट हो जाती है अर्थ पे रीच करने से पहले, आपको पूछ सकते हैं विराज क्या चीज़ है, पता होना चाहिए, रेन से संबंधित है ये, ठीक है, पता लगा विराज मतलब कि किसी स्नेक का नाम है, आप ऐसा लिख के आ रहे हो पेपर में, है ना, तो पता होना चाहिए व्हाट इज विराज, व्हाट इज हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म तो खैर पता होता है सबको, है ना, विराज, मिस्ट, हेज, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, क्लियर है? देखना चाहोगे विराज की फोटो कैसे दिखाते हैं, लेट्स सी, ये तो बंदे आ गए, ये है भाई विराज, विराज डोबरियाल, अच्छा एक मूवी जिसमें अपनी बीवी को टॉर्चर करता था ये ना, एक सीरियल है ना, बंद कर देता था कॉकरोच के साथ, चलो ये था विराज, देख लिया, अब बेचारे जो धरती पे पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जा रही है, उसको दिखाएगा भी कोई कैसे, है ना, ये भी तो बात है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको, फॉग वॉग सब सब क्लियर हो गया। कल जो हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ क्लाउड, वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, भारती जी को आ चुका है पहले कमीशन में ये, है ना, कि हेलो जो क्लाउड है वो किससे बनता है, कौन सा क्लाउड हुआ है जो इसको हेलो क्लाउड कहते हैं, है ना, कल पढ़ेंगे ये सब, ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, टाइम कितना हुआ है, कुछ पूछने हैं इसमें से, कुछ पूछने हैं आप लोगों को इसमें से, बताइए जल्दी क्या पूछना है, बताओ, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है भाई।